इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। अमेठी कस्बे के रायपुर फुलवारी स्थित सेपियन सेकेंडरी स्कूल में आज बाल मेले का आयोजन किया गया। वैसे तो प्रतिवर्ष 14 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है, जिसको पूरा देश बाल दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे अधिक प्रिय थे, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस बाल मेले का शुभारंभ अमेठी जनपद के प्रख्यात शिक्षा एवं समाज सेवी पंडित जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी मनीषी और सेपियन स्कूल के प्रबंधक कुशाग्र बरनवाल के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती माँ की चित्र पर पुष्प अर्चन करने के उपरांत उपस्थित छात्र छात्राओं और अभिभावकों एवं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को संबोधित किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक कुशाग्र बरनवाल ने मुख्य अतिथि महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया तथा स्मृति चिन्ह के रूप में तुलसी के पौधे का एक गमला तथा राम दरबार की प्रतिमा भेंट की। तत्पश्चात विद्यालय के कर्मठ और जुझारू प्रिंसिपल देवमणि उपाध्याय प्रबंधक कुशाग्र बरनवाल ने अपने स्टाफ के साथ मुख्य अतिथि पंडित जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी मनीषी को साथ में लेकर बाल मेले में लगे प्रत्येक स्टॉल पर पहुंचे और मनीषी जी ने स्टॉल पर खड़े बच्चों से विधिवत जानकारी दी। आज के इस बाल मेले में सभी कक्षाओं के बच्चों ने पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयारी कर अपना अपना स्टॉल लगाया था। कहीं पर पानी पूरी तो कहीं पर केक, कहीं पर समोसा, वेज बिरयानी, बिस्कुट, नमकीन सहित तमाम खाने पीने की वस्तुओं का स्टॉल लगा हुआ था। यही नहीं, बच्चों के द्वारा गेम के रूप में मनोरंजन करने का भी स्टॉल लगाया गया था, जिसमें कई तरह के खेल और मनोरंजन के साधन मौजूद थे। बाल मेले में आए हुए सभी बच्चों एवं अभिभावकों तथा अन्य लोगों ने मेले का काफी लुत्फ उठाया। वहीं इस बारे में जब बच्चों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मेले को लेकर हम लोगों ने काफी उत्साह था, हम लोगों ने काफी मेहनत की है और इस माध्यम से हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। लोगों से कैसे बात करना है, उनको कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना है, लेन देन करना, मार्केटिंग के विशेष गुण कैसे होते हैं, इन सब की जानकारी हमको इसमें लेकर माध्यम से मिल रही है। इसी के साथ सेपियन स्कूल के प्रबंधक कुशाग्र बरनवाल ने बताया कि पठन पाठन के अतिरिक्त पाठ सहगामी क्रियाएं भी हमारे स्कूल में निरंतर चलती रहती है, जिसे यहाँ पर पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का चतुर्दिक विकास हो सके। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, उन्हें आसपास के वातावरण और माहौल के विषय में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में अपने आप को मजबूती से खड़ा रहने की स्थिति प्रदान कर सके। सेपियन स्कूल अमेठी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पंडित जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी मनीषी ने कहा कि आज की इस आपाधि में भरे युग में लोग डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर युवा पीढ़ी बनेंगे और देश का भविष्य है, जिसकी नींव आज इन विद्यालयों में तैयार की जा रही है। जैसा संस्कार होगा वैसे ही बच्चे निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए विद्यालय के साथ साथ अभिभावकों को भी अपने ननिहालों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। वे पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ संस्कारवान एवं चतुर्वान बन सके। नमस्कार, मेरा नाम श्लोक पांडे है, मैं कक्षा 7 सेपियन स्कूल का छात्र हूँ। आज हमारे स्कूल के बहुत सारे छात्रों ने बाल मेला लगाया है, जिसमें अनेक प्रकार के स्टॉल लगे हैं, जैसे ब्रेड पकौड़े का, गुलाब जामुन का, बीट द बजर जैसे खेलों का स्टॉल लगा है, जिसमें आप बहुत सारे इनाम जीत सकते हैं। आज अभिभावक, अध्यापकगण, पत्रकार आदि सभी लोगों इसका लुत्फ उठा रहे हैं। इस मेले से हमें सीख मिलती है कि हमें व्यापार किस प्रकार करना चाहिए और लेन देन का काम कैसे होता है। हमारे विद्यालय में यह मेला भैया क्या नाम है आपका? कांति पांडे। आज आप यहाँ से सेपियन स्कूल आई हैं, बच्चों का बाल मेला था, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगी आपके? सर, बाल मेला तो बहुत अच्छा था, छोटे छोटे बच्चे बहुत मेहनत किए हैं और इंजॉय भी काफी अच्छा हो गया, कोशिश बहुत अच्छी रही बच्चों की। क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए? जी सर, होते रहे, इससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है, उनको आनंद भी बहुत ज्यादा आता है, इससे खुश भी रहते हैं बच्चे। जी, मेरा है रश्मि अग्रवाल। आज बाल दिवस का आयोजन हुआ है सेपियन विद्यालय में, कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। ये होने वाला था 14 को, लेकिन फेस्टिवल की वजह से ये आज हो रहा है। क्या लगता है इस तरीके से विद्यालय में आयोजन होते रहने से बच्चों
बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ साथ हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं और सब प्लेसेस बहुत अच्छी है। साहब आज कैसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है विद्यालय में और इस माध्यम से आप क्या जो है बच्चों को संदेश देना चाहते? आज सेपियन विद्यालय में बाल मेला का प्रोग्राम चल रहा है। बाल मेला हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन 14 नवंबर को छुट्टी अवकाश होने के कारण आज के दिन बाल मेला हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं, जिसमें बच्चों ने कई प्रकार के स्टॉल फूड स्टॉल्स लगाए हुए हैं और फूड स्टॉल लगाने से उनको ये प्रेरणा मिलती है कि वो सेल कर सकें चीज़ों को, और बच्चों ने कैसे विधिवत किसी चीज़ को बनाया और उसको इंट्रोड्यूस किया पेरेंट्स के सामने, जिससे चौमुखी बच्चों का एक्टिविटी के द्वारा चौमुखी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि इस तरह के जो है कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित होने चाहिए, जिससे बच्चों को जो है पढ़ाई के अतिरिक्त और भी जो है चीज़ों का ज्ञान हो सके? हम विद्यालय में समय समय पे इस तरह की एक्टिविटी कराते रहते हैं, जिस प्रकार जैसे 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे, 14 नवंबर को बाल दिवस और 10 फरवरी को हम एनुअल फंक्शन डे मनाएंगे। इस एक्टिविटी से बच्चों का चौमुखी प्रदर्शन और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आज आप सेपियन स्कूल अमेठी में आए हुए हैं, कैसा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश आपने दिया है? बच्चों को ये संदेश दिया है, विद्यालय तो बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा अनुशासन है, हाँ वेल डेकोरेटेड है, तो हमने ये दिया है कि बच्चे त्रिवेणी में स्नान करें। कौन सी त्रिवेणी? तीन त्रिवेणी बताया। पहला लक्ष्य ऊंचा, मन समूचा, नियत साफ, पहली त्रिवेणी। दूसरा पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, क्रोध ना हो, दूसरी त्रिवेणी। तीसरा चिंतन में उपासना, चरित्र में साधना, व्यवहार में आराधना। क्या मतलब? श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ चरित्र और श्रेष्ठ व्यवहार, ये हमने बच्चों के लिए अपना संदेश दिया। और साथ ही साथ कि भारतवर्ष में जुआ शक्ति है, 65% जुआ हैं, तो जीवाओं के लिए आवश्यक है संस्कार। स्वस्थ जुआ सशक्त राष्ट्र, दूसरा सुसंस्कारित जुआ श्रेष्ठ राष्ट्र, तीसरा स्वावलंबी जुआ संपन्न राष्ट्र, और चौथा सेवाभावी जुआ सुखी राष्ट्र। ये चार बातें हैं युवाओं में संप्रेषित की जाए। और गीता कहती है कर्मयोग में 21वां तीसरा अध्याय कर्मयोग है, उसके 21वां श्लोक में गीता कहती है क्या? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवी तरु जन, श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं इतर जन उसका पालन करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवी तरो जनः, सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। वो अपनी वाणी से भी जैसा प्रमाण कर देते हैं तो सामान्य जन उसका अनुकरण करते हैं। तो हमने यहाँ के शिक्षक प्राचार्य प्रबंधक सबसे ये अनुरोध किया कि बच्चों को महान नागरिक बनावें, और ये बच्चे कभी अपने को बुढ़ा न समझें, ये हमेशा जैसे भगवान राम और कृष्ण कभी बुढ़े नहीं हुए, तो हम उन्हीं की संतान हैं। भगवान ने कहा है ममई वांसो जीव लोके, मेरा ही अंश है जीव जो इस संसार में आया, तो ये हमेशा प्रफुल्लित रहें और राष्ट्र को श्रेष्ठ पथ पर ले चलें, जिससे राष्ट्र का गौरव बढ़े, फिर राष्ट्र विश्व का जगत गुरु बनने की
वो संकल्पना पूर्ण हो सके। क्या लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें संस्कार और नैतिकता का क्षरण हो रहा है? हाँ, क्योंकि उसको हमने शिक्षा और विद्या का उदाहरण देते हुए उसको व्याख्यायित किया। शिक्षा हमको चालाक मानव बनाती है, रोजी रोटी कपड़ा का मकान का व्यवस्था करती है, लेकिन शिक्षा हमको महामानव बनाती है। विद्या हमें महामानव बनाती है, देव मानव बनाती है, परमात्मा से जोड़ती है। तो लेकिन आज भारतवर्ष में शिक्षा बढ़ रही है, विद्या घट रही है। चाहिए दोनों को साथ साथ ले चलें। तो हम इस जो विद्यालय है सेप्टियन विद्यालय, जो अभी नवोदित विद्यालय है, इसके सभी महानुभावों से अपेक्षा करते हैं कि बच्चों में शिक्षा और विद्या इसका युग्म बराबर 50% दोनों 50% ये न रहे कि जैसे आज हो रहा है कि शिक्षा तो बढ़ रही है लेकिन विद्या घट रही है। हमारे शरीर में एक है अदृश्य सत्ता और एक है दृश्य सत्ता। दृश्य सत्ता शरीर की खुराक है शिक्षा, और अदृश्य सत्ता आत्मा की खुराक है विद्या। तो दोनों आवश्यक हैं, शरीर में प्राण भी हो, आत्मा भी हो और शरीर भी हो। तो इसलिए आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का यहाँ संगम रहे। हाँ, और यह विद्यालय तो बच्चों को अच्छा उत्तम वातावरण दे रहा है, क्योंकि बच्चे का विकास होता है वंशानुक्रम, हाँ, गुणे वातावरण। तो वंशानुक्रम तो सब बच्चे अपना माता पिता से लेके आते हैं, लेकिन विद्यालय का क्या करता है, वो वातावरण का सृजन करता है। तो यह अच्छे वातावरण का सृजन कर रही है ये संस्था, और हम चाहेंगे कि इसी तरह यहाँ से श्रेष्ठ नागरिक निकलते रहें और देश में अपना नाम बढ़ाते। क्या लगता है कि जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के बाल मेले या पाठ जो है इसके इतर, ये आवश्यक है। एकांग नहीं तो बच्चों का एकांगी विकास होता है, इससे बच्चों की प्रतिभा निखरती है। हाँ, और इससे मेल जोल की भावना भी बढ़ती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेना चाहिए बच्चों को। हाँ, ये नहीं तो वो कूप मंडूक बन जाएंगे, केवल स्कूली शिक्षा। हाँ, तो क्या नाम है बेटा, किस क्लास में पढ़ती हो? अंकल मेरा नाम काजल सिंह है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, 12वीं क्लास में। मेला लगा है इस मेले के माध्यम से क्या आप लोगों को सीख मिल रही है, क्या आपने लगाया? जी अंकल, बाल मेला ये हमारे स्कूल में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को लगता है, किंतु दिवाली की छुट्टियों के कारण ये तिथि आगे बढ़ा दी और आज 18 नवंबर को लगा है। इस बाल मेले से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लोगों से कैसे बातचीत करनी चाहिए, हमें व्यापार कैसे करना चाहिए, हमें लोगों से बातचीत, हर चीज़ इससे सीख मिलती है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें बाहर की चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और प्रत्येक वर्ष हमारे स्कूल में लगता है ताकि हम पढ़ाई के साथ साथ बाहर की चीज़ों को भी और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब चीज़ों को भी, ताकि हमारे शरीर का मानसिक विकास हो सके, इसलिए हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। आपने क्या लगाया? अब मैंने ब्रेड पकौड़े लगाए हैं। यहाँ हमारे स्कूल के बाल मेले में मीठे से लेकर हर चीज़ है, चाउमीन, ब्रेड पकौड़ा, बर्गर, सैंडविच और पेस्ट्री, गुलाब जामुन, काफ़ी सारी चीज़ें। बहुत सारे खेलों का भी आयोजन किया गया है जिसमें लोग मतलब प्राइज जीत सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आज हमारे स्कूल में बहुत सारे अभिभावकगण आए, हमारे अध्यापक हैं, अध्यापिकाएँ हैं, सब लोग इसका आनंद ले रहे हैं। आप लोग भी हमारे स्कूल में आमंत्रित हैं, आप भी इसका मेले का आनंद लीजिए। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।